ठाकुर जी से प्रार्थना करा, क्योंकि सब जानते हैं कि गौ माता की बात ठाकुर जी कभी नहीं था। तो उनके रूप में जाकर कहते हैं कि आप अवतार ग्रहण करें, तब जाकर ठाकुर जी अवतार ग्रहण करें। महाराज ठाकुर जी को गौ माता बहुत लाडली है। जब भी जब पाप बढ़ जाते हैं, अवतार ग्रहण होना होता है, तो ऐसा नहीं है ठाकुर जी अपने आप आकर अवतार ग्रहण कर लेते हैं। जो देवी देवता है वो सब ठाकुर जी से प्रार्थना करने जाते हैं कि आप अब अवतार ग्रहण करिए। तो सब जानते हैं ठाकुर जी हर किसी की बात मानते नहीं, तो पृथ्वी को भेजा जाता है। पृथ्वी भी सोचती है मैं ऐसे ही चली जाऊंगी तो क्या पता बात माने ना माने। तो पृथ्वी गौ माता का रूप लेकर जाती है। ठाकुर जी से प्रार्थना करा, क्योंकि सब जानते हैं कि गौ माता की बात ठाकुर जी कभी नहीं टालते। तो उनके रूप में जाकर कहते हैं कि आप अवतार ग्रहण करें, तब जाकर ठाकुर जी अवतार ग्रहण करें। महाराज ठाकुर जी को गौ माता बहुत लाडली है। जब भी जब पाप बढ़ जाते हैं, अवतार ग्रहण होना होता है, तो ऐसा नहीं है ठाकुर जी अपने आप आकर अवतार ग्रहण कर लेते हैं। जो देवी देवता है वो सब ठाकुर जी से प्रार्थना करने जाते हैं कि आप अब अवतार ग्रहण करिए। तो सब जानते हैं ठाकुर जी हर किसी की बात मानते नहीं, तो पृथ्वी को भेजा जाता है। पृथ्वी भी सोचती है मैं ऐसे ही चली जाऊंगी तो क्या पता बात माने ना माने। तो पृथ्वी गौ माता का रूप लेकर जाती है। ठाकुर जी से प्रार्थना करा, क्योंकि सब जानते हैं कि गौ माता की बात ठाकुर जी कभी नहीं टालते। उनके रूप में जाकर कहते हैं कि आप अवतार ग्रहण करें, तब जाकर ठाकुर जी अवतार ग्रहण करें। महाराज ठाकुर जी को गौ माता बहुत लाडली है। जब भी जब पाप बढ़ जाते हैं, अवतार ग्रहण होना होता है, तो ऐसा नहीं है ठाकुर जी अपने आप आकर अवतार ग्रहण कर लेते हैं। जो देवी देवता है वो सब ठाकुर जी से प्रार्थना करने जाते हैं कि आप अब अवतार ग्रहण करिए। तो सब जानते हैं ठाकुर जी हर किसी की बात मानते नहीं, तो पृथ्वी को भेजा जाता है। पृथ्वी भी सोचती है मैं ऐसे ही चली जाऊंगी तो क्या पता बात माने ना माने। तो पृथ्वी गौ माता का रूप लेकर जाती है। ठाकुर जी से प्रार्थना करा, क्योंकि सब जानते हैं कि गौ माता की बात ठाकुर जी कभी नहीं टालते। तो उनके रूप में जाकर कहते हैं कि आप अवतार ग्रहण करें, तब जाकर ठाकुर जी अवतार ग्रहण करें।